दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है जियो की तरफ से। जियो आप सभी लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ है 21 दिनों के लिए, पूरे 21 दिनों के लिए पूरी तरह से इंडिया को लॉक कर दिया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि जियो 498 रुपए का रिचार्ज बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, किस तरह से आप जो है जियो के 498 रुपए का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सगल। तो चलिए शेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि जियो लॉकडाउन पे बिल्कुल फ्री में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पे इस तरह से, जैसे तरह हमारे व्हाट्सएप पे देखिए आ चुका है, इस तरह से आया है, देखिए एक लिखा हुआ है, जियो इस कठिन परिस्थिति में दे रहा है सभी इंडियंस यूजर्स को 498 रुपए का रिचार्ज। अभी के अभी नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, यह ऑफर 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। दोस्तों आपको बता दें ये एक फेक न्यूज है। जी हाँ, ये एक फेक न्यूज है। जियो बिल्कुल फ्री सर्विस दे रहा है। जी हाँ, जियो इंटरनेट सर्विस दे रहा है बिल्कुल में फ्री दे रहा है, लेकिन जो जियो फाइबर यूजर हैं, जी हाँ जो जियो के ब्रॉडबैंड यूजर हैं, उनको जियो फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 10 Mbps की स्पीड से, 10 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड डेटा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जियो का कि 498 रुपए का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दोस्तों ये अफवाह फैल रही है। जैसे ही कल माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि 21 दिनों के लिए पूरी तरह से इंडिया को लॉकडाउन किया जाएगा, तो ऐसे में कुछ ऐसे जो लोग हैं जो इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वो इस तरह के अफवाह को फैला रहे हैं। जी हाँ, ये अफवाह है। इससे जो जिसकी ये कंपनी है, जिसकी ये वेबसाइट है, लाखों रुपए डेली कमा रहा है। जी हाँ, और आपकी ये गलती की वजह से अफवाह फैला रहे हैं। यहाँ पे आपका नंबर रजिस्टर कर लिया जाता होगा, इसके बाद कहा जाता होगा 10 लोगों को आप शेयर करिए। देखिए इस तरह से आया है, नंबर आपका रजिस्टर हो जा रहा है, फिर कहा जा रहा होगा कि 10 लोग को शेयर करिए, जब आप शेयर करेंगे तभी आपको रिचार्ज मिलेगा। बाबा जी का घंटा है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये एक वेबसाइट बनाने का तरीका है, ये एक वेबसाइट है जिसे आप खुद बना सकते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। इस समय अफवाह मत फैलाइए। अगर अफवाह इसी तरह से फैलाते रहेंगे तो गवर्नमेंट तंग आके इंटरनेट ही बंद कर देगी, तब कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलना। जी हाँ, यही बात है, ये अफवाह है। इस तरह के अफवाह को आप मत शेयर करिए। जियो इंटरनेट सर्विस दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन जो जियो फाइबर यूजर है उसे इंटरनेट सर्विस फ्री मिल रही है। और साथ ही साथ BSNL भी फ्री सर्विस दे रहा है, फ्री इंटरनेट सर्विस दे रहा है, लेकिन उनके लिए जो कि फाइबर यूजर हैं, लैंडलाइन यूजर हैं और ब्रॉडबैंड यूजर हैं BSNL के, उनको फ्री दे रहा है। जी हाँ, उनको फ्री दे रहा है, और ये अनिश्चित समय के लिए, जैसे कि 1-2 महीने के लिए फ्री दे रहा है, 1 महीने के लिए दे रहा है। जी हाँ, 1 महीने के लिए BSNL फ्री दे रहा है, उसी तरह से जियो भी 1 महीने के लिए फ्री दे रहा है। और आपको बता दें जियो का जो प्लान है वो 251 रुपए का प्लान है। जी हाँ, जियो का प्लान है 251 रुपए का प्लान है। इसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा 51 दिनों के लिए। जी हाँ, 251 रुपए का प्लान है। आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी हम आपको बता दें इस वीडियो में। आपको क्या काम करना है, ऐसा कोई ऑफर मिले, चलिए रिचार्ज हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ऐसा कोई न्यूज दिखे, ऐसा कुछ भी न्यूज दिखे जिस तरह से यहाँ दिख रहा है, पहले तो देखिए जो HTTP वेबसाइट लिखी हुई है जहाँ पे क्लिक करना है। अगर jio.com हो, सिर्फ jio.com हो, तभी समझिएगा कि जियो की ये ऑफिशियली वेबसाइट है। jio.com जियो की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे इतना लंबा हो चाहे इतना लंबा हो, वो फेक रहेगा। jio.com के अलावा कोई भी हुआ तो वो फेक रहेगा। इसके अलावा चेक करने का एक और तरीका है, आप MyJio ऐप में जाइए, देखिए वो ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इस तरह का कोई ऑफर होगा ना, तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे MyJio ऐप ओपन होता है, एक MyJio में एक ऑफर चल रहा है, जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से ऑफर आ रहा है। अगर फ्री दे रहा होगा जियो इंटरनेट, जियो फ्री दे रहा होगा, कुछ इस तरह से आपको ऑफर देखने को मिलेगा।
तभी आप समझिएगा कि ये एकदम करेक्ट न्यूज है। इस समय अफवाह मत फैलाओ यार, कृपया अफवाह मत फैलाओ। आपको कोई न्यूज मिल रही है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या वो सही न्यूज है, या फिर आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं क्या वो सही न्यूज है। हम उसकी तह तक जाएंगे और आपको इत्तला करेंगे। जस्ट शेयर करिएगा अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप में, सेफ रहिए, घर पर रहिए और बने रहिए टेक्निकल साइकिल के साथ। मिलेंगे, दीजिए चैन, वंदे मातरम।